दंगा करने वाले ही मुख्यमंत्री हो गए और क्या कहते हैं गुजरात में जो दंगा हुआ उसके जो दंगा करने वाले गृह मंत्री हो गए और देश के प्रधानमंत्री हो गए। जब ऐसे लोग जिम्मेदारी ले लिए हैं दंगा कौन करेगा? आप कान खोल के सुन लीजिए, मुख्यमंत्री होने के पहले इनके ऊपर 32 मुकदमा 38 मुकदमा था योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। अपना मुकदमा स्वयं वापस लेने वाला प्रथम मुख्यमंत्री है उत्तर हिंदुस्तान का जो अपना मुकदमा स्वयं वापस लिया। नहीं तो योगी आदित्यनाथ जी खुदा आजीवन कारावास हो जाएगा जो जो मुकदमे उनके ऊपर है। कितना बदलाव? अरे भैया आप कितना बदल दे जो अब यही मोदी कर नहीं कर रहा है कि हम जिसको कष्ट है उनके घर जाके खाना नहीं खिला रहे हैं। बाकी तो केवल बदलाव हो गया है, जितना ज्यादा विकास इस कार्यकाल में हो गया उतना कहीं नहीं हुआ। क्या बदला हुआ? गैस महंगा हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, देश के कानून खत्म कर रहे, ये सब बदलाव किए हैं सर? बदलाव किया अंबानी के, मुकेश अंबानी के रोड से वहां गया, अडानी के कर दिया, बाबा रामदेव जीरो से लेके वो जो ये बाएं हाथ से हीरो हो गया, बताइए ये सब बदलाव किए सर इन्हीं के? चंद सर मानवर जी गरीबों के पैसे के लिए जो गरीब के हक मारेगा उसकी सरकार गिरेगी। हाय कभी बुरा देख ली मान। जब दंगा करने वाले ही मुख्यमंत्री हो गए और क्या कहते हैं गुजरात में जो दंगा हुआ उसके जो दंगा करने वाले गृह मंत्री हो गए और देश के प्रधानमंत्री हो गए। जब ऐसे लोग जिम्मेदारी ले लिए हैं दंगा कौन करेगा? दंगा करने वाले ही एक मिनट भाई 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 ये वही मुख्यमंत्री है जो कि दंगा के भयभीत होकर के सदन में रोया है। इतना दंगा उत्तर प्रदेश में था कि बेचारा खुद ही मारने से बच गया, जाकर के सदन में रोया है कि मुझको बचाया जाए। उस समय दंगा होता था, इस समय जब से आया है एक दंगा की औकात नहीं कहीं दंगा हो जाए। आप कान खोल के सुन लीजिए, मुख्यमंत्री होने के पहले इनके ऊपर 32 मुकदमा 38 मुकदमा था योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। अपना मुकदमा स्वयं वापस लेने वाला प्रथम मुख्यमंत्री है उत्तर हिंदुस्तान का जो अपना मुकदमा स्वयं वापस लिया। तो योगी आदित्यनाथ जी खुद आजीवन कारावास हो जाएगा जो मुकदमे उनके ऊपर है। ये लीजिए मुझसे उत्तर लीजिए भैया, सुनिए एक मिनट, जब आपके ऊपर जबरन मुकदमा मैं लिखवा दूंगा, जबरन आप निर्दोष हो, जबरन आपको दोषी बना रहे हैं, तो जब आपको मौका मिलेगा तो आप अपना पर बचत करोगे, इसमें संशय नहीं है। अगर योगी ने किया तो कोई गलत नहीं, जबरन उसके ऊपर सारे मुकदमे किए गए थे, योगी जी पे मुकदमे जबरन। अभी सुनिए, बहु बेटियां हमारे देश की जो खिलाड़ी हैं, हमारी बेटियां हैं दिल्ली के ऊपर प्रदर्शन कर रही हैं, एक FIR अभी आपके ऊपर एक साधारण एप्लीकेशन पड़ जाए, अभी आप थाने में बैठा लिए जाएंगे, दरोगा के ऊपर तमाम मंत्रियों के टेलीफोन जाएंगे, सिफारिश जाएंगे, तब आपको जमानत में छोड़ेंगी। लेकिन एक यहाँ के सांसद हैं गोंडा की, बृभूषा शरण सिंह जी, पूरा देश जो हमारी बेटियां ओलंपिक में मेडल लेके आई आज रो रही हैं, उनके ऊपर उत्पीड़न हुआ, आज उनको एक घंटे के लिए थाने पर नहीं बैठाया गया। यहां तक कि CGI ने जब डायरेक्शन दिया तब उसके बाद FIR होता है। आज आप बताइए गृह मंत्री जी प्रधानमंत्री जी उसको खत्म करने के लिए लगे क्या कहेंगे? मैं भैया जब ये 22 साल से केस चल रहा था, जिस दिन उनके साथ छेड़छाड़ी शुरू में हुई तब तो उनके साथ कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद कहने लगे मेरे साथ पास्को लगा हुआ है, पास्को एक्ट में उनपे जो है कार्रवाई की मांग, पास्को में त्वरित जो है गिरफ्तारी होती है, तो तैयार तो है जो नाबालिग बाकी वो जो महिलाओं की बात कर रहा है, खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, कोई प्रमाण दे पा रही है? मैं आपको एक वाक्य बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का 2017 में गायत्री प्रसाद प्रजापति तत्कालीन यहाँ से कैबिनेट मंत्री थे, उन पर एक महिला ने आरोप लगाया और उनपे बिना जांच के उनपे मुकदमा हुआ और वो 5 साल अंडर ट्रायल जेल में रहे और 5 साल बाद उस केस में जजमेंट आया। और यहाँ पे लगातार इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है आरोप लगा रहे हैं, और लेकिन अब तक एक FIR नहीं दर्ज हुई है। भैया सरकार एक ही है, लेकिन दो तरह के देखिए, FIR दर्ज हो गई है और एक सम्मानित व्यक्ति है, ऐसे जबरन की उंगली उठाई जाए आपको गायत्री प्रजापति भी मौजूदा कैबिनेट मंत्री थे। हम खिलाड़ी सम्मानित नहीं है सर, दोनों लोग बात कर रहे हैं, खिलाड़ी सम्मानित नहीं है, प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं खिलाड़ी लोग प्रमाण कर रहे हैं। आप कैसे प्रमाण चाहिए सर? वो क्या नाम से उसके लिए भी तैयार हो गया है, जो नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हो गया। ऐसा है गायत्री प्रसाद प्रजापति पिछड़ी जात के कुम्हार थे, अगर वो भी ब्राह्मण ठाकुर होते तो शायद उनको तत्काल मतलब बाहर कर दिया जाता, क्योंकि बृभूषण शरण सिंह जी राजपूत हैं, योगी आदित्यनाथ जी राजपूत अपने आप को कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपनों को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। उत्तर प्रदेश ने कहा कि टेनी मिश्रा
चार चार किसानों को गाड़ी चढ़ा करके हत्या कर देते हैं, उनको बर्खास्त तक नहीं किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी और इस देश में दो तरह के कानून व्यवस्था है। अगर वही ब्रिभूषण शरण सिंह कहीं खान होते, पठान होते, अंसारी होते, यादव होते, ब्राह्मण होते, उसके बाद उनको ध्वस कर दिया जाता, उनका घर में बुलडोजर लगा दिया जाता, उनको कह दिया जाता भू माफिया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से कि ब्रिभूषण शरण सिंह के लिए दोहरा कानून क्यों है।